जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 5 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज भगवान हनुमान जी की कृपा व शुभ ग्रहों की दृष्टि से आज 12 में से 6 राशियों के सितारे बुलंद रहेंगे। इन 6 राशि वालों में आज है मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशि वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, मंगलवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से होगी और आज सिंह राशि का चंद्रमा प्रातःकाल 8:17 तक रहेगा। उसके पश्चात कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। आज सूर्योदय प्रातःकाल 6:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 6:03 पर होगा और आज राहु काल अपराह्न काल 3:06 से आरंभ होकर के तो सायंकाल 4:34 तक राहु काल रहेगा। तो आज राहु काल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। आज दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा में, तो आज के दिन आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। उत्तर दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो आज गुड़ खा करके अथवा अपने इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा प्रातःकाल 11:45 से आरंभ होकर के तो दोपहर 12:33 तक सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस समय अवधि में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप कर सकते हैं। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपका सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी होगा। विद्यार्थी वर्ग को कुछ अवरोधों का सामना आज करना पड़ सकता है। संतान पक्ष को लेकर जो चिंता थी उसका समाधान आज आपको निकल आएगा। व्यापार व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ तनाव की आशंका रहेगी। घर के रख रखाव पर व्यय अधिक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। आपको प्रियजनों और परिवारजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सायंकाल के समय कुछ परेशानी आपको हो सकती है। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध घी का दिया जला करके हनुमान जी के मंदिर में केसरिया या लाल ध्वजा का दान करें। हनुमान जी के मंदिर में अनाज व ऋतु फल का दान करें और श्रीफल चढ़ा करके बैठ करके ओम हम हनुमते नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट में आपको लाभ मिलेंगे और नए सौदों का अवसर प्राप्त होगा। फिजूल खर्चे से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। अधिकारी वर्ग आपको कार्य की प्रशंसा आपके करेंगे। प्रमोशन के योग की संभावना ज्यादा रहेगी। किसी भी तरह के विवाद से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। शुभ व्यय करने से आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। सायंकाल के समय परिजनों के साथ सुखद व्यतीत होगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 86% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की प्रतिमा की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। लाल पुष्प की माला अर्पित करें। ऋतु फल और मिठाई का भोग अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारें।
और बैठ करके ओम श्री राम दूताय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में नई सोच आपके कार्य में सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगी। प्रिय जनों से अंतर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम भी आज आपके अनुकूल कम रहेगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भाई के साथ रिश्तों में सुधार रहेंगे और जीवन साथी से संबंध आपके मधुर रहेंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र और ख्याति में वृद्धि होगी। बड़ी मात्रा में धन हाथ में आने से गिरा हुआ मनोबल आपका कम हो सकता है। आज भाग्य का साथ आपको 87% प्राप्त हो सकेगा, तो आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीपल के 11 पत्तों के ऊपर श्री राम जी का नाम लिख करके उसकी माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करें और भगवान हनुमान जी को पंचमेवा का भोग अर्पित करें। एक श्रीफल चढ़ा करके ओम पवन पुत्राय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रुओं का मल गिरेगा। आज घरेलू और अच्छे गुण वाले लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा वातावरण बनेगा। आपके साथ काम करने वाले लोग सहयोग करेंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। साथ ही नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। साझेदारी में किया गया व्यापार काफी फायदेमंद होगा। मित्रों का सहयोग व सहायता का अवसर आपको मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 87% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। गुलाब का इत्र अर्पित करें। गुलाब पुष्प की माला चढ़ाएं। ऋतु फल में लाल फल अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारें और बैठ करके ओम हम हनुमते नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। सामाजिक कार्य करने पर आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अटके हुए धन की प्राप्ति के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और संतान की चिंता आपकी समाप्त होगी। दुकान व्यवसाय में धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। परिवार के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी को पंचामृत से स्नान करावें। शुद्ध जल से स्नान करवा करके सिंदूर का चोला अर्पित करें। लाल पुष्प की माला चढ़ावें। पंचमेवा का भोग लगा करके एक पान का बीड़ा चढ़ावें। एक श्रीफल चढ़ा करके हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि घर के सबसे छोटे सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार अवश्य करें और अच्छा समय व्यतीत करेंगे तो दिन आपके लिए अनुकूल होगा। वैसे संतान की चिंता यदि आपको होगी तो वह खत्म होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। उनकी सलाह से आपके कोष में वृद्धि के योग हैं। विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। लाइफ में सुखद अनुभूति आपको होगी। नई ऊर्जा का संचरण होगा। रोजगार के क्षेत्र में रुकावट यदि है तो खत्म होगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ की स्थिति बेहतर बनेगी। नए मित्र आपके बनेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 10 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है।
पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शुद्ध जल में केसर मिलाकर के भगवान हनुमान जी को स्नान करावें और भगवान हनुमान जी का गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। ऋतुफल मिठाई का भोग अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारें और बैठ करके ओम महावीराय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं, प्रिय जनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, आय के नए स्रोत आपके लिए बनेंगे, लंबित कार्यों को पूर्ण करने का समय है, विद्यार्थी वर्ग को गुरु जनों का सहयोग व आशीर्वाद मिलेगा, अधिकारी वर्ग आपके प्रोजेक्ट पर पूरा सहयोग कर पाएंगे, आपके पद व गरिमा में वृद्धि होगी, स्थितियां आपके पक्ष में नजर आएगी और आपकी लाइफ में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, संतान के विवाह आदि की चिंताएं खत्म होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 86% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, हनुमान जी के मंदिर में केसरिया ध्वजा का दान करें, लाल पुष्प की माला अर्पित करें, लाल ऋतुफल और पंचमेवा का भोग लगावें और एक श्रीफल चढ़ा करके ओम श्री राम भक्ताय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपकी बढ़ सकती है। किसी भी तरह के संक्रमण से दूरी बनाए रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते समय पूरी सुरक्षा के साथ आप निकलें। कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचरण होगा। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान प्राप्ति के योग है। आर्थिक लाभ तो आपको होगा ही, लेकिन लाभ से अधिक खर्च होने के कारण खिन्नता बनी रहेगी। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। आज आपको सतर्क रह करके काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 81% प्राप्त हो सकेगा। शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी को पंचामृत से स्नान करवा करके शुद्ध जल से स्नान करवाएं, सिंदूर का चोला अर्पित करें, हनुमान जी के मंदिर में केसरिया ध्वजा का दान करें, पान ऋतुफल मिठाई का भोग अर्पित करके ओम श्री राम दूताय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, अच्छे गुण वाले लोगों से मेल मिलाप आपका बढ़ेगा, जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त होगा, अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में काम करेंगे और प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के योग हैं, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, श्रेष्ठ मार्गों से पर्याप्त आमदनी होगी, लेकिन व्यय जो है आय के अनुपात में अधिक हो सकता है। छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आपके लिए हानिकारक आज हो सकती है। सायंकाल के समय मानसिक शांति अनुभव होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी को कच्चे दूध से अभिषेक करावें, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके सिंदूर का चोला अर्पित करें, पान ऋतुफल मिठाई का भोग अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारें और ओम महावीराय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, भाई बंधुओं व्यापार के सहयोगियों से मनमुटाव की स्थिति होने के कारण पूरा दिन असहज में व्यतीत हो सकता है
शत्रु पक्ष आपके लिए परेशानी का कारण हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर फोकस रखें, किसी भी तरह की राजनीति व विवाद से दूरी बनाए रखें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। सायंकाल के समय संपत्ति से लाभ और पत्नी से उत्तम सहयोग मिलने के कारण संतुष्टि बनी रहेगी। तो आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त हो सकेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी के समक्ष आटे का शुद्ध घी का 4 मुखी दीपक हनुमान जी के सामने जलावें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें, लाल ध्वजा दान करें और हनुमान जी को ऋतु फल और मिठाई का भोग लगा करके ओम अंजनी सुताय नमः इस महामंत्र का 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में निरंतर लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि साझेदारों से परेशानी होने की आशंका भी रहेगी। व्यापार के क्षेत्र में अनियोजित खर्च से कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मित्रों के साथ यात्रा के योग बन सकते हैं। नए व्यापार के लिए समय शुभ है। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी की आय में उन्नति होगी जिससे सायंकाल के समय खरीदारी आदि करना शुभ रहेगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 84% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी के समक्ष शुद्ध घी का दिया जलावें। गंध पुष्प अक्षत के द्वारा भगवान हनुमान जी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा का दान करें, ऋतु फल अर्पित करें और अनाज का दान करें। एक श्रीफल चढ़ा करके ओम हम हनुमते नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आज कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए धैर्य एवं नम्रता से काम करें। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कार्य और अधिकारों में वृद्धि के योग हैं जिससे आसपास के अन्य सहयोगियों में कड़वाहट बढ़ने से आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अपने कार्य कौशल से सायंकाल तक सबको सामान्य आप कर पाएंगे। पिता के साथ संबंधों में सुधार रहेगा। लाइफ में नया उत्साह और उमंग का अनुभव आप कर पाएंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 86% प्राप्त हो सकेगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत में केसर मिला करके स्नान करावे। पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प की माला चढ़ावें, लाल ऋतु फल का भोग लगावें और बैठ करके ओम पवन पुत्राय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।